और दूसरी बात मैं आपको एक टेक्निकल बात बता देता हूँ, आप लोगों को पता होगा कि वो अमेरिकन प्रोटेक्शन में है, यानी कि एसाइलम, शरणार्थी है वो, शरणार्थी का उसके पास पेपर है, मेरे पास उसका पेपर भी है। वो अगर किसी पर भी झूठा इल्जाम भी लगाएगा ना, मान लो कि वो झूठा इल्जाम लगा दिया कि अशरफ से मुझे खतरा है, डांडिया से मुझे खतरा है, या किसी ऐसे इंसान से खतरा है जो वहां पर अमेरिका में नुकसान पहुंचाएगा, तो पुलिस को मजबूरन में अरे उसका जब साथ देना पड़ेगा कि भैया क्या असाइलम है। असाइलम ले लेते हैं तो वो उनके मुल्क का दामाद ही समझिए, उनको उसको कुछ भी नहीं कर बिल्कुल, सकते। हाँ चलिए आप अगर कुछ और कहना चाहती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत ही, मतलब किस तरीके से आप लाइव आई हैं मैं जानता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल यकीन मानिए आपके इतने बड़े कदम का, जो लोगों के सामने आपने सच्चाई रखी है, कम से कम अब तो लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। आप एक्सपर्ट नहीं है बोलने में, देखो हो सकता है बहुत सारे लोग ये अंदाज़ा लगाते होंगे कि ये झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है, या थोड़ा सा रिश्तों का कदर करके एक महिला जिनके जिनके बच्चे उसके नहीं, पास है जिसको ना। जिसको झूठ समझना है समझने दीजिए, हमको बार बार चीखना नहीं है, हम सिर्फ एक ही बार आते हैं, सच बोलते हैं, चले आते हैं। हमको बैठ कर वीडियो पे भोंकने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको सही समझना है समझे, झूठ समझना है झूठ समझे, बार बार जो है वीडियो बना के साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको जो समझना है समझो, सच तो ये है, हमेशा यही रहेगा, खत्म बात। बिल्कुल, चलिए तो ठीक है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए, जी, कोई और नहीं, दुनिया के सामने सच्चाई लाने के लिए, एक फ्रॉड इंसान के बारे में जो लगातार देश को गुमराह कर रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि ये देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है और कुछ भी नहीं है, पुलिस को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। जी और मेरे ख्याल से उसको जो पुलिस को भी जो चीज़ें चाहिए होगी वो आपसे मिल ही जाएंगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, उम्मीद है कि जी आंखों के पे बंधी पट्टी लोगों पर कुछ ना कुछ तो खुली होगी, है ना। ठीक है, ठीक चलिए, बहुत बहुत जी, शुक्रिया आपका, अस्सलाम कोई बात वालेकुम। ऐसा है, देखिए बात ये है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। मुझसे कोई अगर पूछ रहा है कि आप पहले कहाँ थे, आप पहले कहाँ नहीं थे, आप लोगों को नहीं पता है कि मैं पहले वाकई में कहाँ था और अंदर खाते में किस तरीके से इस चीज़ का मेरा विरोध चल रहा था। हमेशा जब भी हम लोगों की बात होती थी, इस बात का विरोध होता था। इवन कि डांडिया ने मुझे ये भी कहा कि रफीक ओवर स्मार्ट मत बनो, तुमसे ज़्यादा जानकार लोग यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, और ये अगर ये वीडियो को वो देख रहे होंगे तो वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे और रियलाइज करते होंगे कि रफीक अहमद की बात ना मानकर उन्होंने क्या किया है। ठीक है, उसके बाद से मेरे घर की कंडीशन में मेरी माँ की तबीयत लगातार खराब थी, वो बेड पर थी, लगातार हम लोग उसमें लगे रहे। उसके बाद से हम सिवान के इलेक्शन में लगातार जो है अपने चैनल को लेकर आगे बढ़ते रहे। मुझे आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा ये सुपर 400 की बातें, ये हमारे इलेक्शन में ये उठ रहे हैं इलेक्शन में, या किसी भी ऐसे इंसान को मैं लाकर प्रमोट कर रहा हूं कि मैं मोहब्बत के दंगे का इंसान जो है, मैं इस इंसान को आके प्रमोट कर रहा हूं कि ये इलेक्शन में उठ रहे हैं, ऐसा मुझे कहीं नहीं देखा होगा आप लोगों ने। अगर वो लोग जो मुझे मानते थे कि मोहब्बत के दंगे परिवार के ये सदस्य हैं, आपको भी आके पूछना चाहिए था। मुझसे दो तीन लोगों ने पूछा और मैंने उनको जो राय दिया उन लोगों ने बात मानी, और आज वो इस बात के लिए खुश होंगे कि रफीक अहमद की उन्होंने बात मानी। और जो लोग बात नहीं माने, आज उनके सामने, आंखों के सामने सच्चाई है। मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग इस सुजा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, ये गद्दार के, ये झूठे इंसान के, देखिए आप लोग किसी के नफरत में, आप लोग किसी के गुस्सा में इतने भी अंधे मत बन जाइए। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग सच को सच ना कहें, झूठ को झूठ ना कहें। बीजेपी से भी इतना क्या ऑब्सेस्ड होना, क्या नफरत पाल लेना। वो मानता हूं मैं उसकी पॉलिसी गलत है, मानता हूं मैं वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है, मानता हूं मैं देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ये चीज आपको एक गद्दार की बात को सुनने पे मजबूर करता है? देखिएगा, एक बात को गौर से सुन लीजिए आप सब लोग, मैं बार बार कहता हूं, मोहब्बत के दंगे परिवार हिंदू मुसलमान एकता पे काम करता था, करता है, करेगा। हम लोग कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं है दोस्तों, गलतियां हम लोगों से भी हुई हैं, गलतियां हम लोग से भी होती रहेंगी, आगे भी होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप, अगर कोई एक बंदा 23 तारीख तक हम लोग चुप रहे, सब लोग चुप रहे कि चलो ठीक है, हम लोग इसको देख लेंगे, मोहब्बत के दंगे परिवार ने बोला कि ठीक है देख लेते हैं क्या होता है इसका, और उसके बाद से लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि वो गद्दार जो इंसान है,
वो लगातार इस चीज में फिर से शुरू किया हुआ है, फिर से उसमें लगा हुआ है, लोगों को फिर से बेवकूफ बना रहा है। आखिर इस बात को कहीं ना कहीं तो रोकना होगा ना। आप अमेरिका में अगर बैठे हैं तो क्या हमारे देश की कोई इज्जत नहीं है कि कोई आया लोकतंत्र से खिलवाड़ शुरू कर देगा, कोई आया उल्टे सीधे बकवास करना शुरू कर देगा, कोई आया लोगों के मासूमियत का नजायज फायदा उठाना शुरू कर देगा, है ना। मैं बता रहा हूं आप लोगों को दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, पिंटू है या फिर और भी जो मोहब्बत के दंगे परिवार के पुराने सदस्य हैं। मेरा मकसद देखिए, बात किसी से नहीं करने का मतलब ये नहीं होता कि आपसे नफरत है, या फिर आपने कहीं नहीं देखा होगा कि मेरी पोस्ट में कभी भी मैंने किसी को उल्टे सीधे बात करके पोस्ट किया हो उसके बारे में, कभी नहीं। मेरा एक ही उसूल होता है कि अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही है तो मैं अपने काम में लगा हुआ हूं, आप अपने काम में लगे रहो। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि मुझे पसंद कीजिए या किसी को पसंद नहीं कीजिए। पैसा के मामले में सुजा की वाइफ ने आके क्लियर किया। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप डांडिया को आकर क्लीन शीट दीजिए या मैं दूंगा, लेकिन फिलहाल जो बात जो उनकी वाइफ कह रही है, क्या हम उस पर थोड़ी देर के लिए यकीन कर लें, या हम अपने गुस्सा में नफरत में कि डांडिया गलत किया है, गलत किया, गलत किया उसके, नहीं नहीं वही गद्दार है, वही झूठा है, वही गलत किया है, क्या ये एक इंसान की सही सोच की पहचान है? गौर कीजिएगा इस बात पे। मैं बिल्कुल भी किसी को ये नहीं कहता कि ये गलत है या सही है, लेकिन एक बंदा इसमें जरूर गलत है थ्रू आउट, जो हमारे देश के डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो है ये सुजा। ये लगातार देश के डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये आपके हमारे इस देश की कंट्री के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दोस्तों आप एक गौर करो, 135 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान के भी दिल में, एक इंसान के भी दिल में इस बात का अगर नफरत पैदा हो जाए कि भाई यार इस देश में कुछ नहीं होने वाला, हम इस तंत्र को मानते ही नहीं है, ये गद्दारों का देश है, कुछ इस तरह की बातें अगर सोच ले कोई एक इंसान, तो क्या वो देशद्रोही उसको नहीं बना रहा? क्योंकि वो कहता आ रहा है कि हम यहां से हैक कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, हम यहां से पलट सकते हैं, तो क्या मेरे दिल में इस बात का ख्याल नहीं आएगा कि यार ये मेरे देश के सिस्टम में क्या है कि एक बैठ के चोर आसानी से कह रहा है हम चोरी कर ले रहे हैं, फिर वो इल्जाम लगा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब कुछ बदल के लेके चली गई, उसने हैक करवा लिया। मतलब आप सोचो कि क्या हमारा दिल उससे बेजार नहीं होगा, क्या हमारा दिल उससे रूठेगा नहीं, टूटेगा नहीं? गौर कीजिए इस बात को। मोहब्बत के दंगे परिवार बहुत मेहनत से बनी है दोस्तों, मोहब्बत से बनी है। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझसे गलती हो सकती है, मैंने गलती किया होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज होंगे, बहुत सारी बातें कहे होंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में लोगों को पता नहीं है कि आप उस वक्त क्यों नहीं बोले, आप उस वक्त क्यों नहीं बोले, आप इस मैटर के खत्म होने तक क्यों नहीं बोले। मैंने 22 तारीख के रात 11 बजे लाइव बनाया इसके बारे में कि मेरा जो स्टैंड है इस इंसान के लिए, कल को वो जीत कर आए या हार कर आए, मैं खिलाफ था, मैं खिलाफ रहूंगा, क्योंकि ये देश के सिस्टम के साथ खिलवाड़ है। यूट्यूब के मेरे चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा कि मैं अभी दिखा भी देता हूं कि आप लोग चूंकि चीजों को देखते नहीं है, पता नहीं रहता, पूछते भी नहीं है कि रफीक आपने क्यों नहीं इसके खिलाफ बोला, है ना। मैं दिखा देता हूं ताकि वो भी बात क्लियर हो जाए कि मैं क्यों नहीं खिलाफ था। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज पर जाइएगा, उस पेज पर मैंने कई बार लगातार जो है इसके खिलाफ में बोला, अपने और भी सदस्य हैं जो लगातार उसके खिलाफ बोले, अशरफ भाई भी अपने लाइव वीडियो पे बोले कि नहीं ये एक बार एक्सपोज हो चुका है, ये गद्दार है, झूठा है, इसको क्या बार बार एक्सपोज करना, चलो अच्छी बात है। ये देखिए ये देखिए, ये देखिए 22 तारीख का ये वीडियो है, ये वाला मैं चला देता हूं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ताकि मैं जिस चीज को, जिस उसूल को लेकर चल रहा हूं वो उसूल मेरा कायम रहे, मैं उस चीज को लेकर चल रहा हूं। फ्रॉड सुजा, ये देखिए पढ़िए, ये सुजा का नाम लिया, पता नहीं क्या आ गया, खैर ये प्रचार है ना। ये देखिए 22 तारीख का ये वीडियो है, फ्रॉड सुजा मेरा स्टैंड रिजल्ट से पहले भी और बाद में भी एक है, देश से गद्दारी कर रहा है वो। 22 मई का ये वीडियो, 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, तो मैंने हमेशा अपने स्टैंड को क्लियर रखा है। अगर आप लोगों में नजर नहीं पड़ा, नजर नहीं आया तो वो अलग बात है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने, मोहब्बत के दंगे परिवार के अब्दुल ने, सुप्रिया जी ने और भी दीगर मोहब्बत के दंगे परिवार वालों ने कहा कि वो गलत है, डांडिया ने गलत किया, गलत चीज को किया। हम लोगों ने साफ कहा कि आप परिवार के हिस्सा नहीं है, वो परिवार के बाहर है। तो मैं इस
क्यों नहीं आप बात को समझ रहे कि हमारा टारगेट हमारा देश है बेहतरीन बनाना, खूबसूरत बनाना, और हम किसी एक इंसान को लेकर बैठ जाएं कि भैया ये गद्दारी किया, ये गद्दारी किया, और जो लगातार गद्दारी कर रहा है उसके खिलाफ हम कुछ ना बोलें तो ये गलत बात हो जाएगी ना। ठीक है, बिल्कुल मैं बोल तो रहा हूं प्रताप, अब कैसे बोलो। अच्छा हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी आज हो भी रहा है मेरे ही बारे में बात, मोहब्बत के दंगे परिवार के जो लोग भी हैं थोड़ा एक एक बार एक कमेंट कर दें, हाय कर दें, आप लोग भी देख लेना ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पता चल जाए एक बात, क्योंकि एक बहुत बड़ा पागल इंसान है मैं। देखो मेरे नेचर को बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते हैं, गंवार लोगों की कमी नहीं है, बैठ कर कहीं पर गधे जैसा बकते रहना बकते रहना डजंट मीन कि आपका कुछ उससे कमाई हो रहा है या कुछ हो रहा है। मेरे YouTube के बारे में बहुत सारे लोगों के बारे में ख्याल है कि ये भैया बैठ के पैसा कमाते हैं YouTube से, देख लो देख लो, आज देख ही लो, आज सारी बातें हो ही जाए। और मैं चाहता हूं कि इसमें जो है जरूर आप लोग उस गधे इंसान तक पहुंचा देना जो इस तरह की बातों को सोचता है। दोस्तों अगर मेरे प्रोफाइल के बारे में नहीं जानते हो तो जो लोग मुझे जानते हैं जो मेरे साथ रहते थे कतर में दुबई से, उसी से इनडायरेक्टली पूछ लिया करो कि रफीक अहमद क्या था या क्या है, इनडायरेक्टली पूछ लिया करो। और करियर में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखो मैं चीज दिखा रहा हूं, पैसा के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि रफीक अहमद अपने YouTube चैनल से क्या कमाता है। सबसे पहली बात तो YouTube के बारे में जान जाओ, ये मेरा जो YouTube चैनल है 2009 का बना हुआ चैनल है जो मेरा खुद का अपना है, ठीक है, जिसका मैंने बीच में नाम चेंज करके मोहब्बत के दंगे रख दिया था। अब मैंने चेंज क्यों किया मैं वो भी बता देता हूं। ये देखिए एक वो जाहिल बैठा हुआ है विदेश में, उसने कुछ उल्टे सीधे मेरे बारे में बात कही थी, मैंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा था, मैंने सोचा कि चलो बाद में बता देंगे। ये मेरा YouTube चैनल है रफीक अहमद के नाम पर, गौर से देखना ठीक है, और इसको भी क्लियर आज कर लो आप लोग, क्योंकि मैं नहीं छोड़ने वाला उन लोगों को जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं ये सुजा जैसे लोग, ठीक है। तो मेरे बारे में भी क्लियर करते जाओ, मेरे सब्सक्राइबर हैं जब मोहब्बत के दंगे परिवार के, और ये चैनल कब का है वो भी देख लो। ये चैनल कब का है वो भी देख लो आप लोग, बताता हूं मैं, ठीक है। ये देखो ये अभी का दिखा रहा है एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये कब का दिखा रहा है, ये पिछले 2-3 महीनों का दिखा रहा है। अभी मैं इसको दिखाता हूं ये कब का दिखा रहा है, लास्ट 28 डेज का। अब मैं इसको क्या करता हूं कि इसको मैं चेंज करके ये पैसा के सेक्शन पे मैं आता हूं, ये देख लो आप लोग इससे क्या कमाई होती है। कुछ गधों को बहुत ही बेफिक्र रहने की जरूरत है, देख लो यार इतना मतलब क्या समझो यार, इतने तो मेरे गाड़ी में पेट्रोल पड़ जाते थे। ये देखो ये मेरा वीडियो का पैसे का जो दिखा रहा है $31, ये 28 दिनों का दिखा रहा है, ये मतलब कैलकुलेशन। अब आप देखो ये मेरा वीडियो जो है मैं आता हूं कब से, लाइफ टाइम में आता हूं, लाइफ टाइम यानी कि टोटल जब से ये मेरा चैनल है तब से क्या कमाई हुई है, लाइफ टाइम में आता हूं, लाइफ टाइम आ रहा है, अभी थोड़ा सा वो हो रहा है, देख लो लाइफ टाइम बोले तो 2010 से ये मेरा चैनल है, 2010 यानी कि टोटल 9 साल, टोटल 9 साल, ठीक है। कब का ये, 3 मार्च 2010 से लेकर 14 जून 2019 तक का, और टोटल मेरे पैसे कितने बने हैं इस पूरे 10 सालों में, सिर्फ $2,000, योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू लाइफ टाइम, ठीक है। फिर से पूरा प्रीफेस देख लो आप लोग ऐसे, ये देखो लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम में कितना मैंने कमाई करी है, $2,00,000, सॉरी $2,000, सॉरी ये पॉइंट है यहां पर देख लेना गौर से देख लो, $2,805.0, ठीक है। ये कब से कब तक का, 3 मार्च 2010। अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है।
और ये विशेंद्र आपको भी क्लियर हो गई होगी, मैं ये वीडियो जो है ये मोहब्बत के दंगे परिवार के शुरू से लेकर आखिरी तक के वो वीडियो मैं रखने के लिए इस चैनल को केवल रखा हुआ हूँ। और मैंने नाम क्यों चेंज किया मैं वो भी बता देता हूँ। मेरे इस चैनल पर दो तीन स्ट्राइक आ गए थे उल्टे सीधे, जो कुछ वीडियोज मैंने डाल दिए थे पहले के जो कॉपीराइट स्ट्राइक हुए थे, उसके बाद से मेरे को थ्रेट आया यूट्यूब की तरफ से कि आपके चैनल बंद हो जाएंगे और आप अपने पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कीजिए। तो मुझे उस वक्त तक ये आइडिया नहीं था कि चाहे वो नाम रफीक अहमद का हो या मोहब्बत के दंगे परिवार का हो, डॉक्यूमेंट्स आप अपना दीजिएगा, जो चलाता है उसका डॉक्यूमेंट दीजिएगा तो वो चैनल फिर से चालू हो जाएगा। तो मैंने उसको दिया और आप देख लो कि ये चैनल अभी भी बाकी है। मैं वीडियो सेवल संग्रह करने के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए रखा हूं कि 2015 से जो मोहब्बत के दंगे की शुरुआत हुई 2015 के दिसंबर से, याद रखिएगा, उस समय से लेकर अब तक के सारे वीडियोस मेरे पास हैं वहां पर चैनल पे, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि कल को फेसबुक बंद हो जाए, कल को फेसबुक पे कोई बात हो जाए तो मेरे पास संग्रह रहना चाहिए। और ये $2000 मैं पूरे 10 सालों में कमाया हूं। $2000 का मतलब क्या हुआ, आज से 10 साल पहले डॉलर का क्या कीमत थी, 50 रुपए, 55 रुपए, 45 रुपए बीच में भी हुआ था, तो मुश्किल से 1 से 1.5 लाख रुपए आए होंगे। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं अपना पैसे का बैंक का अकाउंट भी दिखा दूंगा कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों में मैंने क्या कमाए हैं अपनी जिंदगी में मेहनत करके अपने दम पर, ठीक है। और आज यहां पे मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूं, बहुत अल्लाह के करम से बहुत अच्छा से चल रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज है दोस्तों, गलत फहमी ना पाला करो आप लोग, गलत फहमी, और मैं हर चीज का आके सफाई दूं ये शोभा नहीं देगा। मुझे ऐसा लगेगा कि अरे यार कोई भी चिरकुट इंसान आया उठकर कुछ भी बोल देगा, हम उसकी बात को मान लेंगे। ये बात को गौर से सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ठीक है। अब आपको मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। सैयद सुजा की वाइफ आकर सारी चीजें क्लियर करके चली गई कि एक नंबर का गद्दार है सैयद सुजा वो, और ये उनकी पत्नी, उनकी वाइफ, जिनसे माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, वो महिला आकर एक गद्दार के बारे में, अभी अभी तो बीच में बहुत सारी बातें और भी हैं कि वो भागकर इंग्लैंड गया था, फिर वो भागकर आया वापस, फिर वो गया विदेश में और झूठ कर वहां पर अटॉर्नी रखा, उसके बाद से असाइलम का उसने पेपर बनवाया, बहुत सारी चीजें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आखिरी होना चाहिए, मैं चाहता हूं, क्योंकि देखो मैं भी इंडिया में हूं और मैं खुद अपने काम में लगा हुआ हूं, लेकिन मैं सारी चीजों को जो देख रहा हूं ना, कल को हर कोई आके पूछता है कि रफीक अहमद एमकेडी का क्या हुआ, आप लोग तो बड़ी मेहनत कर रहे थे इसके लिए, मुझे बहुत अफसोस आता है दोस्तों, बहुत अफसोस। और मुझे इस बात का भी अफसोस है जो पुराने लोग हैं वो लोग भी मन में गलतफहमी पाल के रखे हुए हैं, ठीक है। हर कोई इसमें मेहनत कर रहा है और आज भी कर रहा है, डांडिया के अलावा आज जो भी लोग कर रहे हैं, चाहे वो अशरफ भाई हो गए, आप देखो अमन के पैगाम पे जो मोहब्बत के दंगे पर प्लेटफॉर्म का वो एक प्लेटफॉर्म है उस पे, जिस पर ये देहात कश्मीर के एक भाई हमारे जिन्होंने शुरुआत करी थी, पता नहीं नाम मैं मिस कर रहा हूं, रेहान अल्लाह वाला, सॉरी अपना कमेंट अगर कर देते उनका नाम है ना, उन लोगों उन्होंने शुरुआत करी, फिर उसके बाद अशरफ भाई ने लगातार मेहनत किया, और इस पर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये आखिरी होगा, परिवार के सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि ये गद्दार को गद्दार कहना जरूरी है, उसको रोकना जरूरी है, बेवकूफ वो बना रहा है लोगों को, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। याद रखिएगा मोहब्बत के दंगे परिवार ईमानदारी के दम पे खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। हुसैन रेहान वाला, बिल्कुल शुक्रिया राज श्रीवास्तव भाई, उसके बाद से अशरफ भाई, उसके बाद से सारे लोग। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इंसान गलत को सामने आपको परोस रहा और उसको हम लोग, अगर कुछ लोग अगर बेवकूफ बन गए जो लोग हैं, मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है, तो इस गद्दार को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये अभी भी वही काम शुरू किया हुआ है अपने चैनल पर। इस जाहिल इंसान को ब्लॉक करो, ये गधा को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझ नहीं रहा, ये विशेंद्र है, इसको पूरा वीडियो देखता नहीं है, आके बकवास करना शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को, और अगर जो बातें क्लियर नहीं हुई होंगी तो आप लोग कॉल करके बात कर लीजिएगा मुझसे, यकीन मानिए
इस परिवार को बनाने में बहुत मेहनत किया गया है और परिवार को बनाए रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।